हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स इन इजी वे में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लैग्रेंजियन फॉरे प्रोजेक्टाइल नियर अर्थ सरफेस। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज अवर वाई एक्सिस एंड दिस इज अवर एक्स एक्सिस। एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया गया है, इसकी जो हाइट है वो वाई के अलोंग है और जो इसकी ये एक्स एक्सिस से अलोंग जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी इसको एक्स बोल देते हैं। तो देखा जाए तो हमारे इस पार्टिकल के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, दो हैं, बिकॉज एक के एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आगे बढ़ सकता है और एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग ऊपर को हाइट गेन कर सकता है। तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, दो हो गए। तो डैट मीन्स ये आपका टू डायमेंशन केस है, जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उतने डायमेंशन केस मान के चलेंगे। तो यहाँ पर दो डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो टू डायमेंशन केस है और इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए टू डायमेंशन में काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर। जिसको ये नहीं आता डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ लिंक पर मैंने कार्टेशियन पोलर स्फेरिकल तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए कैसे हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं सब बताया है। प्लीज वहाँ जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो बेटर होगा आपके लिए। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए टू डायमेंशन में काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी होती है एम जी एच, एच डेट मीन्स हाइट। तो इसकी हाइट इस प्रोजेक्टाइल जो यहाँ पहुंच चुका है ऑब्जेक्ट, इसकी हाइट जो है वो कितनी वाई है, तो एच के बदले यहाँ पे क्या रखा गया, वाई रखा गया, तो एम जी वाई आ गया। तो लैग्रेंजियन हमारा डिफाइन होता है काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी से। तो ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ रख दी, माइनस साइन लगा दिया और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ रख दी, तो ये आपका निकल गया लैग्रेंजियन। जब हमारा कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा हो कहाँ पर, अर्थ के सरफेस के नियर, ये आपका लैग्रेंजियन निकल गया। तो इस लैग्रेंजियन को देख के हमें मालूम पड़ता है कि ये इसमें एक्स तो एक्स डॉट तो प्रेजेंट है बट इसमें एक्स प्रेजेंट नहीं है। तो जब भी लैग्रेंजियन वेलोसिटी पर डिपेंड करता हो, एक्स डॉट स्क्वायर क्या है, वेलोसिटी है, तो जब भी लैग्रेंजियन वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी डिपेंड मीन्स एक्स डॉट स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर आर डॉट स्क्वायर, तो लैग्रेंजियन वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, तो एक कोऑर्डिनेट की वेलोसिटी तो प्रेजेंट हो बट कोऑर्डिनेट अब्सेंट हो, तो एक्स डॉट तो प्रेजेंट है इसमें बट एक्स कहीं भी लैग्रेंजियन प्रेजेंट नहीं है, तो एक्स क्या हो गया आपका, साइक्लिक हो गया। तो जिसको साइक्लिक कोऑर्डिनेट नहीं आता उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देखा है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट वाली वीडियो देख के आ जाइए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या होता है। फिलहाल आपको यहाँ पे भी समझना है, इसमें एक्स डॉट तो प्रेजेंट है बट उसका कोऑर्डिनेट एक्स प्रेजेंट नहीं, दैट मीन्स एक्स इज साइक्लिक। तो अगर एक्स आपका साइक्लिक है तो आपका जो एक्स के अलॉन्ग जनरलाइज मोमेंटम होगी वो कॉन्स्टेंट होगी। अगर आपका वाई साइक्लिक होता है तो वाई के अलॉन्ग जो जनरलाइज मोमेंटम पी वाई होगी वो कॉन्स्टेंट होगी, और अगर आपका थीटा जनरलाइज कॉन्स्टेंट होगा तो थीटा के अलॉन्ग जो जनरलाइज मोमेंटम होगी पी थीटा वो भी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। दैट मीन्स अगर हमारा लैग्रेंजियन वेलोसिटी डिपेंडेंट हो और लैग्रेंजियन में कोई कोऑर्डिनेट अब्सेंट हो बट उसकी वेलोसिटी प्रेजेंट हो तो उसे साइक्लिक कोऑर्डिनेट कहते हैं, और साइक्लिक कोऑर्डिनेट के अलॉन्ग जो जनरलाइज मोमेंटम होती है वो क्या रहती है आपकी, कॉन्स्टेंट रहती है। तो इसमें आपका एक्स साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, पी एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा, तो जनरलाइज मोमेंटम का फॉर्मूला होता है डेल एल बाई डेल एक्स डॉट, बिकॉज ये एक्स के अलॉन्ग है। अगर ये थीटा के अलॉन्ग हो तो डेल एल बाई डेल थीटा डॉट, वाई के अलॉन्ग हो तो डेल एल बाई डेल वाई डॉट, ये डिपेंड करता है किसके अलॉन्ग हम जनरलाइज मोमेंटम को ले रहे हैं। दैट मीन्स लैग्रेंजियन को हमको डिफ्रेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स डॉट के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट इसको हमें करना है। तो ये आपका लैग्रेंजियन है, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर माइनस एम जी वाई। तो ये एम जी वाई में तो कहीं भी एक्स डॉट प्रेजेंट नहीं है और इस वाई डॉट वाले में भी कहीं भी एक्स डॉट प्रेजेंट नहीं है, तो अगर इस दो को हम आगे लेके आए तो बन जाएगा टू बाई टू एम एक्स डॉट, तो ये इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो टू बाई टू एम एक्स डॉट, तो टू बाई टू एम एक्स डॉट क्या आ गया यहाँ से, कॉन्स्टेंट आ गया, तो टू बाई टू से कैंसिल हो गया, तो एम एक्स डॉट इक्वल टू क्या आ गया, कॉन्स्टेंट। और अगर मैं इस एम को उसके डिवाइड में भेज दूँ तो यहां से x डॉट इक्वल्स टू क्या आएगा, कॉन्स्टेंट बाई एम, x डॉट इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट बाई एम विच इज ऑल्सो ए न्यू कॉन्स्टेंट, तो x डॉट इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, कॉन्स्टेंट। द x डॉट क्या हो गया, x कंपोनेंट वेलोसिटी। दैट मीन्स अगर जब जब भी हमारा पार्टिकल
क्या कर रहा हो, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा हो, तो उसकी जो एक्स के अलोंग जो वेलोसिटी होती है वो ऑलवेज क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, बट वाई के अलोंग वेलोसिटी कॉन्स्टेंट नहीं रहती है, लेकिन एक्स के अलोंग की जो वेलोसिटी है वो ऑलवेज क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। ये लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करके मालूम पड़ता है। और यही सेम रिजल्ट हमको न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन से भी मिलता है कि जब कोई प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा हो कोई ऑब्जेक्ट, तो उसकी वाई कंपोनेंट की जो वेलोसिटी होती है वो चेंज होती है, बट एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। दैट मीन्स हमारा जो लैग्रेंजियन है वो सेम रिजल्ट देता है जो न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन देती है।